खबर नागदा से है, जहां पर लाडली बहना योजना को लेकर एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों के साथ बैठक की। इस दौरान एसडीएम ने लाडली बहना योजना का लाभ दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं को सर्वे का काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लाडली बहना योजना के लिए घर घर जाकर 23 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के संबंध में जानकारी एकत्र करके उनकी सूची तैयार करें। साथ ही महिलाओं के समग्र आईडी, आधार कार्ड, बैंक खाता के संबंध में जानकारी ले। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में लाडली बहना योजना को मंजूरी दी है। दिनांक 5 मार्च 2023 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन के द्वारा लाडली बहना योजना का भोपाल से जगोरी मैदान से शुभारंभ किया गया और माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा दिनांक 6 मार्च को सोमवार को ही समय सीमा की बैठक ली गई थी, जिसमें कि निर्देशित किया गया था कि विधिवत रूप से इसमें लाडली बहना योजना अंतर्गत जो कार्य किया जाए जिला स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, वार्ड स्तर पर वो कार्य किया जाए। और उसी के अनुक्रम में आज दिनांक 7 को मंगलवार के दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई थी और कार्यकर्ताएँ उपस्थित रही और उनको अभी हाल फिलहाल सर्वे कार्य करने के लिए ट्रेन किया गया है।